हर कोई व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न करने में लगा रहता है, क्योंकि माना जाता है कि शनि देव भगवान एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति पर एक बार गुस्सा हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति शनि देव को पूजा अर्चना करके खुश करने में लगा रहता है। आज हम आपको ऐसी दो राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। माना जाता है कि जब भी कभी शनि देव किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि के जीवन में खुशियां आने लगती हैं, या फिर उसके जीवन में दुखों का पहाड़ आ जाता है। वहीं इस बार शनि देव ने दो राशियों में प्रवेश किया है जिसकी वजह से उनके जीवन में कुछ परेशानियां आने वाली हैं और उन पे दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है। तो चलिए बताते हैं आपको उन दो राशियों के बारे में। पहला, मेष राशि। मेष राशि में शनि देव वक्री कर चुके हैं जिस वजह से इनके जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं। आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, घर में थोड़ा कलेश रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में कई सारे अड़चन आने के योग हैं, आपके आर्थिक जीवन में थोड़ी समस्या आ सकती है। अगर आप हर शनिवार मंदिर में जाकर शनि देव के नाम का दीपक जलाएं तो आपके जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। दूसरा, कर्क राशि। कर्क राशि में शनि देव वक्री करने जा रहे हैं जिसके चलते इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश हो सकते हैं, आपको धन संबंधित कई समस्या आएगी। आपको 28 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, नहीं तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।